हेलो एवरीवन, दिस इज रुपेश कुमार एंड वेलकम यू ऑल इन दिस आईटी जेम 2017 फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन। दिस इज पार्ट 8 एंड वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20 एंड 56 इन दिस पार्ट 8 ऑफ 2017 फिजिक्स सॉल्यूशन सीरीज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं और उसके बाद 56 को। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो छूट गए थे, उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फ्लो डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। टू डिमोन्स्ट्रेट बर्नौलीज प्रिंसिपल एन इंस्ट्रक्टर अरेंज टू सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ रेडाई बी इच विथ डिस्टेंस डी बिटवीन दैम वेयर डी इज मच मोर लेस देन बी सी फिगर। द अपर प्लेट हैज ए होल ऑफ रेडियस ए इन द मिडिल। On blowing air at a speed V naught through the hole so that the flow rate of air is pi a square V naught, it is seen that the lower plate does not fall. If the density of air is rho, then the upward force on the lower plate is well approximated by the formula. दोस्तों हमको क्या निकालना है आप देख सकते हैं, the upward force on the lower plate, ठीक है। एज्यूम दैट द ओरिजिन विथ आर लेस देन ए डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द अपवर्ड फोर्स एंड द स्पीड ऑफ एयर एट द एजेज इज नेग्लिजिबल। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है आप देख सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से ये जो ठीक सेंटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है बी है, और ये बी रेडियस का दो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट्स हैं। ये एक लोअर प्लेट है और ऊपर वाला जो है अपर प्लेट है, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है आप देख सकते हैं डी है, ठीक है। और दोस्तों जो ये अपर प्लेट है जिसका रेडियस बी है, उसमें आप देख सकते हैं कि ए रेडियस का, आई थिंक ए डायमीटर का ना, एक सेकेंड लेट मी चेक इट, यस रेडियस ए इन द मिडिल, ए रेडियस का देखिए, ओके सो इतना ही ये डिस्टेंस है। ए रेडियस का क्या पे यहाँ पे सर्कुलर हॉल को काटा गया है, ठीक है, और इसी सर्कुलर हॉल से ए रेडियस का सर्कुलर हॉल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो अपवार्ड प्लेट में काटा गया है दोस्तों, इससे एयर यहाँ पे देखिए इन कर रहा है, और एयर इन करने के बाद इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, एयर वी नॉट स्पीड से इन कर रहा है, ठीक है, कितना स्पीड से वी नॉट। तो फ्लो रेट कितना होता है दोस्तों, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, फ्लो रेट ये सबको मालूम होगा। तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई ए स्क्वायर, क्योंकि ए रेडियस है तो पाई ए स्क्वायर, और वेलोसिटी कितना से एयर जा रहा है वी नॉट, यानी एयर का फ्लो रेट कितना है दोस्तों पाई ए स्क्वायर वी नॉट। दोस्तों चूंकि एयर जब अपवार्ड प्लेट से लोअर प्लेट की ओर जा रहा है, तो लोअर प्लेट को क्या होना चाहिए था, इसको गिरना चाहिए था, इस लोअर प्लेट को क्या होना चाहिए था, इस एयर से जो फोर्स प्रेशर लग रहा है उसके चलते गिरना चाहिए था, लेकिन ये गिर नहीं रहा है, ठीक है, लोअर प्लेट डज नॉट फॉल। तो अब बताइए कि इसका मतलब इसमें लोअर प्लेट में ऊपर की ओर कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसको क्या कर रहा है, रोके रखा है, तो फोर्स कितना होगा, ठीक है, व्हाट इज द अपवार्ड फोर्स ऑन द लोअर प्लेट, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं। ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेट वी नॉट एंड वी वन आर वेलोसिटी एट आर इक्वल टू ए एंड एट आर इक्वल टू आर, हम लोग अपने से एक आर रेडियस का सर्कुलर रीजन मान रहे हैं, तो ये जो आर इक्वल टू ए है जो ऊपर प्लेट में जो हॉल है, समझ पा रहे हैं, ये जो ए रेडियस का है और अपने से हम लोग आर रेडियस का मान रहे हैं, तो ये तो दिया हुआ है कि जब वो ए रेडियस का सर्किल पे वी नॉट, सॉरी हाँ ए रेडियस का सर्किल पे जब वो इंटर कर रहा है तब वेलोसिटी कितना है वी नॉट है, और हम लोग अपने से मान रहे हैं कि जब आर रेडियस पे इंटर कर रहा है तब एयर का वेलोसिटी कितना है वी वन है। अब अपने को यह भी मालूम है अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो एरिया इनटू वेलोसिटी होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, तो इनिशियल एरिया क्या मान लेते हैं दोस्तों, टू पाई आर डी इंटू वी वन। देखिए दोस्तों यहाँ पे टू पाई आर क्या हो गया, लेंथ हो गया, और डी से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया दोस्तों, उसका एरिया हो गया, ठीक है, टू पाई आर इंटू डी मतलब एरिया हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वी वन वेलोसिटी जो हम लोग अपने से माने हैं उसका वेलोसिटी वी वन है, इस जो ये जो एरिया है टू पाई आर इंटू डी, इस एरिया पे जो एयर का वेलोसिटी हम लोग अपने से कितना माने हैं वी वन माने हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, और जो दिया हुआ है हॉल का एरिया कितना है दोस्तों पाई स्क्वायर है, और उस पर कितना से इंटर कर रहा है वेलोसिटी से एयर वी नॉट से, तो टू पाई आर डी वी वन इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर वी नॉट। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं वी वन का वैल्यू निकल गया ए स्क्वायर वी नॉट बाई टू आर डी, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन वन।
अब आप देख सकते हैं प्रेशर डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, डेल्टा पी इज इक्वल टू, हमने जो दो सेक्शन माना है एक आर रेडियस का और जो एक हॉल दिया हुआ है हमारा ए रेडियस का, इनके बीच प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी कितना होगा, पी वन माइनस पी नॉट इज इक्वल टू हाफ रो वी वन स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ से डेल्टा पी कितना आ गया, हाफ रो, चूँकि दोस्तों ये जो हॉल है ये जो पी नॉट है ये प्रेशर जीरो होगा, क्यों होगा, क्योंकि हॉल जो है ओपन है। ठीक है, ये हॉल ओपन है तो इस पर कोई प्रेशर नहीं होगा, सिर्फ पी वन के चलते प्रेशर होगा, और इसके चलते कितना होगा, हाफ एयर का डेंसिटी दिया हुआ है रो, और कितना वेलोसिटी से आर रेडियस पे इंटर कर रहा है दोस्तों, वी वन वेलोसिटी से, तो हाफ रो वी वन स्क्वायर, दिस इज द प्रेशर है ना इन फ्लूइड डायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वेलोसिटी। सो हाफ रो और वी वन स्क्वायर की जगह आप यहाँ देख सकते हैं वी वन निकाले ए स्क्वायर वी नॉट बाई टू आर डी, तो ए स्क्वायर वी नॉट बाई टू आर डी का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इस तरह से प्रेशर डिफरेंस आ गया पाई ए टू द पावर फोर वी नॉट स्क्वायर बाई एट आर स्क्वायर डी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन थ्री। अब हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया पे लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे दोस्तों, देयर फोर फोर्स डी एफ इक्वल टू, वी ऑल नो दैट प्रेशर इज हाउ मच, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, सो डी एफ इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एरिया, सो डी एफ इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एरिया, एक एलिमेंट्री फोर्स निकाल रहे हैं तो एलिमेंट्री एरिया लेंगे टू पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, टू पाई आर लेंथ और थिकनेस कितना ले लिया दोस्तों, डी आर ले लिए, मतलब जो आर रेडियस का हमने रिंग माना है और इसका थिकनेस डी आर माना है, तो टू पाई आर इंटू डी आर इज द एरिया। तो छोटा सा रीजन पे कितना फोर्स लगेगा, डेल्टा पी इंटू टू पाई आर डी आर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डेल्टा पी का ये वैल्यू हमने रख दिया और ये टू पाई आर डी आर, और ये डेल्टा पी का वैल्यू हमने कहाँ से रखा, फ्रॉम इक्वेशन टू। तो इसको ठीक से अरेंज करने पे कितना हो जा रहा है, रो पाई ए टू द पावर फोर वी नॉट स्क्वायर बाई फोर डी स्क्वायर आर डी आर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से ये आर एक यहाँ नीचे कट गया और ये टू से यहाँ पे फोर बन गया। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, ये जो एलिमेंट्री फोर्स है छोटा सा सेक्शन पे जो फोर्स है डी एफ, उसको हमने इक्वेशन थ्री मान लिया। देयरफॉर द टोटल फोर्स इज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, देयरफॉर नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। अब दोस्तों हमारा जो हॉल है उसका रेडियस कितना था, ए था, क्योंकि इंटीग्रेशन रेडियस पे है, डी आर क्या था, हमने जो एलिमेंट्री माना था उसका डी आर था, उसका एलिमेंट्री थिकनेस था, तो रेडियस का वेरिएशन कहाँ से कहाँ होगा, हमारा इनिशियल हॉल का ए है दोस्तों, और फाइनली जो हमारा दोनों प्लेट जो दिया हुआ है, दोनों एक जो अपर प्लेट और लोअर प्लेट, इनका रेडियस कितना है, बी है। ठीक है, दोनों का रेडियस बी है, तो ए से लेकर बी तक लिमिट होगा। ठीक है, आर का ए टू बी लिमिट डी एफ, टोटल फोर्स मिल जाएगा, यही हमें निकालना था दोस्तों। तो एफ इक्वल टू ए टू बी, ये पुट कर दिया हमने, रो पाई ए टू द पावर फोर वी नॉट स्क्वायर बाय फोर डी स्क्वायर, और ये बचा डी आर और नीचे में आर, तो डी आर बाय आर। आपको मालूम है दोस्तों डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स या एल एन एक्स, तो डी आर बाय आर का हो गया एल एन आर, लिमिट है ए से बी, इसको रखेंगे तो एल एन बी माइनस एल एन ए हो जाएगा, और अपने को फार्मूला मालूम है कि लॉग एक्स माइनस लॉग वाई कितना होता है, लॉग एक्स बाई वाई, तो ये हो गया एल एन बी बाई ए। तो इस तरह से फोर्स हमारा क्या आ गया दोस्तों, आप देख सकते हैं रो पाई ए टू द पावर फोर वी नॉट स्क्वायर बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल एन बी बाई ए। तो अब आइए देखते हैं हमारा, दिस इज द फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है जिसके चलते जो लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट है वो फॉल नहीं कर रहा है, तो आइए देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं रो पाई वी नॉट स्क्वायर रूट टू द पावर फोर बाई फोर डी स्क्वायर एल एन बी बाई, ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, इसके लिए करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ये भी कंसेप्ट के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56। स्टार्टिंग विद द इक्वेशन टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी and using the appropriate Maxwell's relation along with the expression for heat capacity Cp, using the appropriate Maxwell's relation along with the expression for heat capacity Cp, C useful information, the derivative dou P by dou T at constant S for a substance can be expressed in terms of its specific heat Cp, density rho, coefficient of volume expansion beta and temperature T. ओके, फॉर आइस सी पी इज इक्वल टू 2010 जूल पर के जी पर केल्विन, रो इज 10^3 के जी पर मीटर क्यू एंड बीटा इज 1.6 10^-4 पर केल्विन। इफ द वैल्यू ऑफ डोपी बाई डोटी एट 270 केल्विन, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, इज एन इंटू 10^7 पास्कल पर केल्विन, देन द वैल्यू ऑफ एन इज।
दोस्तों हमको ये dP बाई dT एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस का वैल्यू निकालना है, जो किसके टर्म में आएगा, सीपी के टर्म में, रो के टर्म में, बीटा के टर्म में और टी के टर्म में। ठीक है, अब आपको देखिए टेम्परेचर भी दे रखा है, आपको सीपी भी दे रखा है, आपको रो भी दे रखा है, आपको बीटा भी दे रखा है। सबको पुट कीजिएगा तो जो dP बाई dT एट कांस्टेंट एस का वैल्यू आएगा उसको इस फॉर्म में लिख देना है आपको, एन इंटू 10^7 पास्कल पर केल्विन। पास्कल इज द एसआई यूनिट, ठीक है, प्रेशर का पास्कल एसआई यूनिट और नीचे टेम्परेचर का केल्विन। तो उस समय जो एन का ये वैल्यू होगा इंटीजर का, उसको आपको बताना है। तो आइए निकालते हैं dP बाई dT एट कांस्टेंट एस। इसमें जो खेल है दोस्तों, ये खेल ये है कि dP बाई dT एट कांस्टेंट एस को सीपी, रो, बीटा वॉल्यूम कोफिशिएंट, एक्सपेंशन कोफिशिएंट और टी के टर्म में एक्सप्रेस करना, यही जितना बड़ा यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो आइए देखते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन। ओके सो मैं यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वी नो दैट फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन, हमने देखी यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन जो लिखा है उसको आप देखिए। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ, यस आप देख सकते हैं dT बाई dP एट कांस्टेंट एस, क्या लिखता हूँ मैं, dT बाई dP एट कांस्टेंट एस, यानी कि dT बाई dP एट कांस्टेंट एस, ठीक है, इज इक्वल टू dT बाई dP एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इधर से देखिए वी एस पी, यानी कि dV बाई डो एस एट कांस्टेंट पी। ठीक है, तो देख आप अगर दोनों को हम जस्ट रिवर्स करेंगे, इसको dT बाई dP को अगर हम dP बाई dT करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन अगर हम RHS में भी इस डो एस बाई dV को, ये डो एस बाई dV है दोस्तों, इसको भी अगर हम dV बाई डो एस जो है इसको अगर डो एस बाई dV करते हैं, उल्टा करते हैं, तो यहाँ भी एक नेगेटिव आएगा, यहाँ भी एक नेगेटिव आएगा, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या यहाँ पे dP बाई dT एट कॉन्स्टेंट एस, देखिए dP बाई dT एट कॉन्स्टेंट एस, इधर क्या बचेगा डो एस बाई dV एट कॉन्स्टेंट पी। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं हम लोग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि dP बाई dT एट कॉन्स्टेंट एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डो एस बाई dV एट कॉन्स्टेंट पी। अब हम अपने से क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे dT से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए डो एस बाई dT, देखिए डो एस और dV को हमने रहने दिया, आप देख सकते हैं बाहर में है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये डो एस dV को रहने दिया। देखिए ऊपर में भी dT से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी dT से डिवाइड कर दिया, क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि हम लोग दो टर्म इसको सेपरेट कर सके, डो एस बाई dT और dT बाई dV, और दोनों एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, आप देख सकते हैं डो एस बाई dT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और ये dT बाई dV एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दोस्तों अब यहाँ से आप ये भी देख लें, हमने क्या किया, टी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1/T मैंने यानी कि टी से डिवाइड भी कर दिया, कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप जैसे टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी मल्टीप्लाइड बाई डो एस बाई डोटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये क्या होता है सीपी होता है। ठीक है, और टी डो एस बाई डोटी एट कॉन्स्टेंट अगर वॉल्यूम होता तो ये सीवी हो जाता। ये दो चीज़ याद रखें, सीपी और सीवी का फॉर्मूला, एंट्रोपी का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो टी डो एस बाई डोटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सॉरी, तो ये कितना बन गया दोस्तों, ये टी डो एस बाई डोटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और ये 1/T डोटी बाई डोबी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आप देख सकते हैं कि अगर हम टी को यहाँ अंदर कर ले तो टी डी एस हो जाएगा और टी डी एस डी क्यू होता है, सो डी क्यू बाई डोटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्योंकि आपको मालूम होगा जो इंट्रॉपी होता है दोस्तों डेल्टा क्यू, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टी डी एस कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये डेल्टा क्यू हो गया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, 1/T dT बाई dV एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दोस्तों dQ बाई dT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का जो वैल्यू है ये होता है एम सी पी, कितना होता है एम सी पी, क्योंकि आपको मालूम है कि जो डी क्यू होता है वो कितना होता है एम सी पी डी टी होता है, आपको ये क्यू डी क्यू मालूम होगा, डी क्यू इक्वल टू कितना होता है दोस्तों एम सी पी और डी टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डी क्यू बाई डी टी होगा, यानी डी क्यू बाई डी टी, डी टी को अगर इधर उठा के ले आए तो एम सी पी बचेगा। तो dQ बाई dT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, एम सी पी हो गया, और ये बचा 1/T dT बाई dV एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखिए आप यहाँ से 1/T dT बाई dV एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, चूंकि हमको मास नहीं डेंसिटी चाहिए तो मास पर यूनिट वॉल्यूम करना पड़ेगा,
हमने क्या किया, भी से इस मास को डिवाइड भी कर दिया और एक भी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गया दोस्तों, रो बन गया, साथ में सीपी, साथ में सीपी और ये भी और वन बाई टी, यानी वन बाई टी इंटू भी और ये डो टी बाई डो भी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हम फिर से इसको रीअरेंज कर ले रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रो सी पी बाय टी को हमने एक साथ रख लिया, रो सी पी बाई टी। अब ये जो भी है दोस्तों ऊपर में है, इसको हम क्या वन बाय भी नीचे ला के वन बाय भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि वन बाय भी अगर नीचे है तो भी ऊपर चला जाएगा। और ये डो टी बाय डो भी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को क्या हम सबसे नीचे ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं, लेकिन उल्टा करना पड़ेगा, यानी डो टी बाय डो भी को डो भी बाय डो टी करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमने नीचे ला के कर दिया, क्योंकि ये डो टी ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा फिर से डो टी बाय डो भी बन जाएगा ये वाला एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और दोस्तों आपको बताते चले कि वन बाई भी इंटू डो भी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो होता है इसका वैल्यू होता है, ये जो नीचे वाला टर्म आप सिर्फ देख रहे हैं वन बाई नहीं, ये जो सिर्फ बाई में है वन बाई भी इंटू डो भी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये बीटा होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशियंट। तो रो सी पी बाई टी और नीचे में हो गया बीटा, यानी डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट एस का वैल्यू निकल गया रो सी पी डिवाइडेड बाई टी इंटू बीटा, दिस इज लेट इक्वेशन वन। अब अपने को जो वैल्यू चाहिए दोस्तों, किसका वैल्यू चाहिए, इसी वैल्यू चाहिए डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट एस जो है, ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए अपने को। तो देखिए सी पी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2010 एसआई यूनिट में है, जूल पर केजी पर केल्विन, रो भी एसआई यूनिट में है, बीटा भी एसआई यूनिट में है, टेम्परेचर भी 270 केल्विन एसआई यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। तो डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट एस को हमको एक्सप्रेस करना है न्यूटन सॉरी एन इंटू 10^7 पास्कल पर केल्विन। तो हम लोग इसको इक्वेट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ था डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट एस का वैल्यू, ये क्वेश्चन में दिया है और ये हम लोग कैलकुलेट करके लाए, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, एन इंटू 10^7 ये तो एसआई यूनिट है, इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे जो था रो सी पी, तो रो का वैल्यू 10^3, सी पी का वैल्यू 2010, टी का वैल्यू 270 और बीटा का वैल्यू 1.6 10^-4, सब कुछ एसआई यूनिट में था। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इसको आप जब लेंगे तो ये आएगा 4.65 10^7, 10^7 कट जाएगा दोस्तों, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.65। आपको आंसर टू डिजिट तक आपको डालना था, तो एन का वैल्यू आप कितना डालेंगे वहाँ पे, 4.65, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।